हेलो एवरीवन, वेलकम इन टू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने बर्ड्स का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। सो व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इन्फॉर्मेशन एक बहुत ही मुनफरिद और दिलचस्प तोते के बारे में, एक ऐसे तोते के बारे में जो कि शिकार करता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे किया पैरट की, जिसे के शरारती अल्पाइन तोते के तौर पर काफ़ी जाना जाता है। तो इनसे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा मालूमात आपके साथ शेयर की जाएंगी कि ये किन इलाकों में पाए जाते हैं, इनका रवैया कैसा होता है, क्या ये वाकया ही शिकार करते हैं। तो अगर आप इनके बारे में ये सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देख लें, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अब हम मज़ीद वक्त ज़ाय के बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं किया पैरट की, कि इनका मुकामी इलाका कौन सा है, किन एरियाज़ में ये पाए जाते हैं। तो ये परिंदे न्यूजीलैंड के जनूबी जजीरे के जंगलाती और आबाई अल्पाइन इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके नाम में अल्पाइन हिस्सा भी इसी हवाले से है जो कि किया को वाहद पहाड़ी तोता बनाता है। इस परिंदे को पहाड़ों का मस्खरा भी कहा जाता है। अगर बात करें इनकी शक्लो सूरत की कि दिखने में कैसे नज़र आते हैं, तो ये ज़्यादातर जैतून रंग के सब्ज़ तोते हैं जिनके परों के नीचे नारंगी रंग के पंख होते हैं। इनकी लंबी और बलदार चूंच होती है जो कि चीज़ों को अलग करने के लिए भी बेहतरीन है। ये अपनी चोंच की मदद से अक्सर चीज़ों को चबाते हुए नज़र आते हैं। इनके बारे में जो सबसे मुनफरिद बात मशहूर है वो ये कि ये बेड़ों का शिकार करते हैं। किया तोता 1860 से मकामी रवायात का हिस्सा रहा है। जब बेड़ के किसानों ने किया के बेड़ों पर हमला करने के बारे में बताया और 1992 में इस बात को एक कैमरे में भी रिकॉर्ड किया गया, कुछ नहीं बल्कि सभी किया तोते अपनी लंबी और खमदार चोंच और पंजों का इस्तेमाल करके ऊन को फाड़कर बेड़ों की कमर से चर्बी खाते हैं। परिंदे बेड़ों को नहीं मारते लेकिन वो अपने जख्म की वजह से इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं। किया दुनिया के जहीन तरीन परिंदों में से एक है। इस परिंदे को 2017 में बर्ड ऑफ द ईयर का ताज भी पहनाया गया। ये एक ऐसी स्पीशी है जो कि वाइल्ड में दूसरे मैमल के लिए एक शिकार भी है। जब बिल्लियों की आबादी किया के मस्कन में दाखिल होती है तो बड़ी तबाही मचाती है। चूहों को भी कभी कभार किया के अंडों का शिकार करते देखा गया है, क्योंकि ये ज़मीन में ऐसे सुराख में घोंसला बनाते हैं जिनको तलाश करना और उसके अंदर जाना बहुत आसान होता है। ये दुनिया का वाहिद अल्पाइनी तोता है जो कि न्यूजीलैंड के जनूबी जजीरे में पाया जाता है। अगर बात करें नर और मादा की पहचान की कि इनको किस तरह हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि नर कौन सा है और मादा कौन सी है, तो मादा नर से छोटी होती है। तो इनको देखकर और इनके वेट से इस बात का अंदाज़ा किया जा सकता है। चिक्स की आँखें पीले रंग की और पीला ताज होता है। ज़्यादातर परवाज में एक मखसूस ऊंची आवाज़ में किया की कॉल देते हैं। ये परिंदे पहाड़ी सिलसिलों के अंदर झोंपड़ियों और पहाड़ी सड़कों के साथ लोगों और उनके कारों के बारे में बहुत ज़्यादा मुतजस्सिस दिखाई देते हैं। किया समाजी परिंदे हैं और ग्रुप की सूरत में पाए जाते हैं। नर और मादा जोड़े के बॉन्ड बनाते हैं। इन तोतों को इंसानों से डर नहीं लगता बल्कि ये इंसानों से चीज़ें छीन लेते हैं। किया तोते 50 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं लेकिन औसतन इनकी लंबाई 48 सेंटीमीटर है और इनका वज़न 1 kg तक हो सकता है। अगर बात कर ली जाए इनके ब्रीडिंग के बारे में, तो मादा अफजाइश के लिए अपने घोंसले में जनवरी से जुलाई के महीनों में एक क्लच में 3 से 4 अंडे देती है। अंडों को इनक्यूबेट करने का दौरानिया 24 दिन का होता है। रात के वक्त भी ये घोंसले से बाहर नहीं जाते और अपनी हदूद में रहते हैं।
नर और मादा के लिए कोई मखसूस नाम नहीं है। नर किया को मुर्ग कहा जाता है जबकि मादा किया को मुर्गी कहा जाता है। एक बच्चा किया तोते को चूजा कहा जाता है। जब वो एक माह के होते हैं तो नर और मादा मिलकर इनको खाना खिलाने में इनकी मदद करते हैं। चिक्स अपने घोंसले में 10 से 13 हफ्ते के लिए रहते हैं जिसके बाद ये उड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। किया पैरेट्स फितरी तौर पर ओमनिवोरस हैं और जंगल में मुख्तलिफ किस्म के खाने खाते हैं। इनके खुराक में नेचरली टिड्डी जैसे हशरात शामिल होते हैं। सब्जी खोर भी हैं तो इनके खुराक में जड़ें, पत्ते, फूल और बीज भी शामिल हो सकते हैं। इनको दूसरे बर्ड्स और मैमल्स को खाने के लिए भी जाना जाता है, जैसे कबूतर भेड़ के गोश्त वगैरह का ये शिकार करते हैं। न्यूजीलैंड के ये मकामी परिंदे इंतहाई समाजी और दोस्ताना परिंदे के तौर पर जाने जाते हैं। ये अपनी हरकत से इंसानों का दिल बहलाने और उनको तफरी फ्राहम करने की कोशिश करते हैं इस उम्मीद पर कि इन्हें उनसे खाना मिलेगा। लेकिन ये दोस्ताना रवैया इनके लिए परेशानी का बायस भी बनता है कि लोग इन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इन तोतों को अक्सर इनके अजीब और मुतजस्सिस रवैये की वजह से क्लर्ड्स समझा जाता है, जिसके नतीजे में इनको पहाड़ के मस्करे के तौर पर भी जाना जाता है। किया एक मखसूस कॉल करता है जिससे ऐसा लगता है जैसे ये तोता नहीं रहा। ये कॉल दूसरों को अच्छे मूड में रखती है। ये पहला ऐसा परिंदा है जिसने इंसानों के साथ जज्बात का इजहार किया है। आप कुछ बात कर लेते हैं इनको केज में रखने के बारे में कि अगर आप इनको अपने पास केज में लेकर आते हैं तो किन बातों को जहन में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कैद में सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप किया को ऐसे पिंजरे में रखें जो इसके साइज से काफ़ी बड़ा हो। ये परिंदे ऊंचाई में 19 इंच तक फ्लाई कर सकते हैं। किया जहीन, समाजी और बहुत एक्टिव परिंदे हैं। आपको अपने किया को एक ऐसा पिंजरा देने की ज़रूरत है जो कि किया के साइज से कम अज़ कम 2.5 गुना ज़्यादा बड़ा हो। किया को एक अच्छा पिंजरा फ्राहम करते वक्त इस बात को यकीनी बनाएं कि ये महफूज हो और सिर्फ एक इंसान ही इसे खोल सकता हो, क्योंकि ये अपने आसपास मौजूद हर चीज़ को इस्तेमाल करेगा। ये काफ़ी मुतजस्सिस परिंदा है और इस जहीन परिंदे के लिए पिंजरा खोलना इतना आसान नहीं होना चाहिए। पिंजरे में बहुत सारे खिलौनों का रखना अच्छा तरीक़ाकार हो सकता है। इस तरह ये पैरट किसी चीज़ में मसरूफ़ रहेगा। इसे चबाने वाले खिलौने फ्राहम करें, ये बहुत आसानी से बोर हो जाता है, तो आपको इसे बहुत सारी सरगर्मियाँ फ्राहम करनी चाहिए। इसको अपनी तवानाई और जस्तजू को अच्छे कामों में इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। किया को पालतू जानवर के तौर पर रखना बहुत मुश्किल समझा जाता है, क्योंकि ये शरारती, तबाहकुन और संभालने में मुश्किल होते हैं। आपको इनसे निपटने के लिए थोड़ा सा तजर्बा होना ज़रूरी है। अगर बात करें इनकी तबई उम्र के बारे में तो जंगल में न्यूजीलैंड के इस पहाड़ी तोते की औसतन उम्र को सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं किया गया, जबकि कैद में कियास 20 साल की उम्र से भी ज़्यादा ज़िंदा रह सकते हैं। सो व्यूवर्स, ये थी इस मुनफरिद तोते की इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल बंग्याल बर्ड्स को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।